गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, वो है आपकी बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर। ओके, तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर है, ये आपका लॉन्ग पेपर है। इसमें हम आज टॉपिक करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। अगर हम जनरल बेटा बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास की, तो वृद्धि क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है, किसी चीज़ के आकार का बढ़ना, रूप भार का बढ़ना, तो वो क्या है? वृद्धि है। और विकास क्या है? किसी चीज़ के डेवलपमेंट होना, ठीक है, किसी भी तरह से। जैसे अब हमारा मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, तो वो विकास है अगर हम जनरल बात करते हैं। तो यही आज हमारा मेन टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है हमारा, कि आप वृद्धि एवं विकास से क्या अभिप्राय है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, अगर हम प्राय विकास को अभिवृद्धि के प्राय के रूप में जाना जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों शब्दों को क्या कहा है, इसमें अंतर किया है। अभिवृद्धि का अर्थ क्या लिया है उन्होंने, सीमित रूप में शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से है, ठीक है। अभिवृद्धि विकास का ही क्या है, एक रूप है, एक चरण है। अभिवृद्धि में आकार और परिणाम दोनों में परिपक्वता आती है, ठीक है बेटा। जो वृद्धि होती है उसमें विकास, आकार और परिणाम दोनों में ही परिपक्वता आती है, और इसका मापन संभव हो सकता है, किसका, वृद्धि का। परंतु विकास शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन है, जिनका मापन अर्थात नापतोल संभव नहीं है, ठीक है बेटा। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि वृद्धि का मतलब और विकास दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हमारी वृद्धि एक सीमा तक रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, हमारा आजीवन चलने वाला प्रोसेस है। विकास हमेशा क्या होता है कि हमारा जब बच्चा गर्भ में होता है, जो गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, वो क्या है, हमारी विकास, ठीक है। विकास हमारा, आप लोगों ने देखा होगा कि विकास क्या है, एक छोटा बच्चा कुछ सीखता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी बुद्धि का विकास चलता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो लास्ट टाइम मतलब जब तक वो जीता है तब तक विकास का क्या है, वो प्रॉपर उसका विकास बढ़ता ही रहता है। देखिए, उसकी गति धीमी और तेज हो सकती है, लेकिन विकास क्या है, अगर धीमी हो रहा है तो भी वो विकास है, अगर तेज गति से हो रहा है तो भी विकास है। इसलिए क्या है कि जो हमारा गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली विकास एक प्रक्रिया है। मानव के जीवन काल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को अगर हम सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, सिंपल भाषा में अगर कहेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, विकास। लेकिन विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक आदि पहलू इसमें सम्मिलित होते हैं, तो किसी भी इसमें विकास संभव है। मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले जो क्रमिक परिवर्तनों को विकास की ही संज्ञा दी गई है, ठीक है बेटा। तो आगे हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। अगर हम प्रॉपर वे से बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है आपका ग्रोथ के बारे में, कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है, अगर जनरल बात करते हैं हम, फैलना या बढ़ना किसी भी आकार के रूप में, ठीक है। अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो पैदा होता है, उसका आकार छोटा होता है, उसकी लंबाई भी छोटी होती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसकी वृद्धि है, उसका आकार है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, 15, 16, 17 साल तक उसकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी वो बढ़ता रहेगा कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे तो उसको मान लीजिए 60-70 साल का होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वो, नहीं। तो वृद्धि क्या है, एक सीमा तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है, ठीक है बेटा। तो हमारे जो नॉर्मल बच्चों की ग्रोथ होती है 16, 17, 18 साल तक होती है, उसके बाद जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, वृद्धि शब्द को अंग्रेजी में ग्रोथ कहा गया है, ग्रोथ का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है परिपक्वता,
की ओर बढ़ना। तो वृद्धि से अभिप्राय क्या है? लंबाई, भार, आकार एवं मानव शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, तो इस प्रकार गर्भाधारण से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की लंबाई एवं भार में परिवर्तन आने को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें एक दो राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन करनी होती है। आपकी इच्छा है, कोई भी राइटर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्रैंक, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। ठीक है बेटा, और क्या है? मेरेडिथ, अकॉर्डिंग टू मेरेडिथ, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में ही करते हैं और कुछ विकास का जो भेदीकरण या विशिष्टीकरण है उसके अर्थ में करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या था आपका वृद्धि के बारे में। अब हम करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के बारे में। तो विकास क्या है हमारा? विकास शब्द को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है। विकास का अर्थ है बढ़ना, बढ़ते रहना। ठीक है, विकास में परिवर्तन मात्रात्मक रूप से नहीं होते। ठीक है, इसमें जो वृद्धि की तरह आकार या भार नहीं होता, तो विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक रूप से नहीं होते। यह बढ़ना शारीरिक रूप से न होकर बल्कि मानसिक रूप से होता है। ठीक है बेटा, जैसे मानसिक रूप से क्या है? हमारी जो वृद्धि है वो क्या है? बढ़ती है। ठीक है, मानसिक रूप से बच्चा क्या होता है? पहले क्या होता है, उसकी बुद्धि थोड़ी, जब बच्चा छोटा होता है तो बुद्धि की डेवलपमेंट भी कम होती है, लेकिन धीरे 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 जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो क्या होती है, उसकी जो बुद्धि की मानसिक रूप की शक्ति है वो भी बढ़ती रहती है। तो वैसे ही अगर हम जनरल बात करते हैं तो हमारा जो विकास है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार विकास का तात्पर्य बालक के मानसिक, शारीरिक, भावात्मक एकीकरण से है, जिसके फलस्वरूप उसका व्यवहार विशिष्ट प्रकार का होता जाता है और वातावरण के साथ समायोजन में सहायक होता है। इसलिए अतः विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता को क्या करता है? इंगित करता है। ठीक है बेटा, आप जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया जो है तीव्र होती है, जबकि शायद जो प्रक्रिया होती है अत्यंत मंद होती है। ठीक है बेटा, तथा जीवन के अंतिम वर्षों में यह प्रक्रिया तीव्र गति से चलती रहती है, जबकि वृद्धि प्रक्रिया की गति अत्यंत मंद हो जाती है, न के बराबर होती है। तो हम इसमें राइटर के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है, अकॉर्डिंग टू ईरा जी गॉर्डन के, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है बेटा, तो ये प्रक्रिया क्या है हमारे विकास की? चलती ही रहती है। ठीक है, एक और राइटर कर सकते हो आप, हरलॉक, अकॉर्डिंग टू हरलॉक। हरलॉक ने मानव विकास को और अधिक स्पष्ट करते हुए क्या परिभाषित किया है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है बेटा, तो ये था आज हमारा विकास और वृद्धि और विकास। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा जो ये फर्स्ट पेपर है ये इसी पर ही आधारित है, इसी पर ही बेस्ड है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। आगे स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।